भैया सिंधियों में अनपढ़ ज्यादा है, बड़े बुजुर्ग कैसे करोगे? मैं भी अनपढ़ हूँ, कैसे करोगे बताओ आप? मैं खेल नहीं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि बच्चे से आप पैर पड़ के माफी मांगो। आज ये मामला पूरे समाज का हो गया, सिंधी समाज का, पूरे सिंधी समुदाय का हो गया। सर आप छोटा मुद्दा बोल रहे हैं, किसी को आप हथकड़ी पहना के घुमा रहे हैं, बहुत छोटा मुद्दा बोल रहे हैं। आतंकवादी थोड़ी था वो, आतंकवादी को भी घुमाया जाता है। जो भी घटना हुई है उसके लिए मैं पूरे सिंधी समाज से माफी मांगता हूँ। और बकायदा दो बार तीन बार खेल प्रकट किया है। और दूसरे अखबारों के बारे में मेरा ईमानदार में है, मैंने बच्चों को हथकड़ी लगा के घुमाने के लिए या जेल भेजने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। अगर किसी ने पीठ पीछे किसी ने तनाव दबाव बनाया होगा तो वो मेरी जानकारी भी नहीं है। वो पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस को इतने बड़े मैटर में निर्णय लेना चाहिए। मैंने कहा भी उनको कि संवेदनशील मैटर है, जो स्वयं शोभा आप मत ले जाइए इनको बच्चे को करके। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, दुर्भाग्य से नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग करने वाला रहता तो आपको यही सुना देता। केस तो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं अपने तरफ से काम करके खत्म कर दूंगा।